चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग वर्ब की बात करने वाले हैं। वर्ब पढ़ेंगे हम लोग कि वर्ब क्या होता है। वर्ब के बारे में पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, अननोन फैक्ट्स वर्ब के बारे में। साथ ही साथ वर्ब के पांच फॉर्म जो है उनको भी डिस्कस करेंगे कि वर्ब के पांच फॉर्म कौन से होते हैं, विच आर द फाइव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उनकी भी बात करेंगे जो आपको अक्सर एग्जाम में आते भी हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि वर्ब जो है उसका बेसिक चीज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वर्ब का। ठीक है, वर्ब के बारे में डिटेल में तो स्टडी हम नहीं करने वाले, टाइप्स क्या है क्या क्या, बस बेसिक पढ़ेंगे कि वर्ब होता क्या है, वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, किस पे आधारित है। ठीक है, ताकि आप हायर में जो पढ़ने जाएंगे, जैसे कि आप वर्ब की बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव या सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में या आगे चल के, जैसे कि वॉइस में, नरेशन में और इन्फिनिटिव में, इन सब में आपको वर्ब के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। और यदि आपका वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियरली बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आगे की चीजें नहीं समझ पाएंगे, हायर लेवल का वर्ब आप नहीं समझ पाएंगे जब तक बेस क्लियर ना हो। तो इसलिए हम बात करेंगे बेसिक चीजें बात करेंगे कि भाई वर्ब में बेस क्या है, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या वर्ब होता है, कैसे वर्ब को पहचानते हैं, किस टाइप के वर्ब होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वर्ब के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, वर्ब का मतलब क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई काम। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी, कोई काम। जैसे मैं अभी फिलहाल पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ, टीच टीच मतलब पढ़ाना, लास्ट में ना आ गया तो वर्ब हो गया, तो भाई ये वर्ब है। ठीक है, अब वर्ब के बारे में आप जानते होंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि कोई भी सेंटेंस जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं या हम सुनते हैं कोई बोलता है, तो उन सभी में हमने एक चीज कॉमन लिखी है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर ही सेंटेंस बनता है, दैट मीन्स वाक्य। ये आप हिंदी में भी जानते होंगे, हिंदी में भी वाक्य होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ ही मिलकर कोई भी सेंटेंस बनता है। अगर ऑब्जेक्ट हटा दो, ठीक है, तब भी सेंटेंस समझ में आता है। अगर आप सब्जेक्ट हटा दो तब भी सेंटेंस समझ में आता है, लेकिन अगर आपने वर्ब हटा दिया तो सेंटेंस का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। आई मान, जैसे मान लीजिए ही गोज टू स्कूल, ऐसा आप लिख दो, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। ठीक, तो अब आप इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना जानते होंगे। भाई जो काम करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो काम किया जाता है उसको वर्ब बोलते हैं, और जिसके ऊपर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो भाई कौन जाने का काम कर रहा है, ही, ये कर रहा है, ही हमारा सब्जेक्ट है। अभी जा कहाँ रहा है, स्कूल है, किसके ऊपर काम हो रहा है, तो भाई स्कूल के ऊपर, तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। और जाना, ना लास्ट में आ गया ना, तो हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, इतना तो सब जान गए भाई, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये सबको क्लियर हो रहा है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अगर मैं क्या बता दूं, अगर मैं क्या करूं, ये स्कूल को मिटा दूं, ठीक है, स्कूल को मिटा दूं, तो ऑब्जेक्ट हटा दिया मैंने, मान, ठीक है, ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो ही गोज, वो जाता है। ठीक है, अभी भी सेंटेंस समझ में आ रहा है हमको, ही गोज, मीनिंग निकल रहा है, अर्थ पता चल रहा है। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, मान लीजिए गोज को, ही टू स्कूल, अगर स्कूल वाला फिर से आ जाओ बस, और इसको मिटा देते हैं, ही टू स्कूल को, सेंटेंस को समझ नहीं आ रहा ना, कोई मतलब पता चल रहा, मतलब कह सकते हैं कि वर्ब जो है सेंटेंस की जान होती है। जी हाँ, वर्ब जो होता है ना वो सेंटेंस में जान की तरह काम करता है, अगर वर्ब नहीं तो सेंटेंस किसी काम का नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए। कभी भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलाकर कोई सेंटेंस बनता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भाई काम चल जाएगा। अभी मैंने बताकर दिखाया आपको सेंटेंस, लेकिन भाई बिना वर्ब के काम नहीं बनता, वर्ब चाहिए ही चाहिए, वर्ब मीन्स क्रिया। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आगे की चलते क्लासेस, जितने भी क्लासेस में आप पढ़ेंगे, आप चाहे नाइन्थ में जाएंगे या टेंथ में जाएंगे या इलेवंथ में रहेंगे, जब भी आप ये सब पढ़ेंगे तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वर्ब के, वो काम बहुत आने वाले, चाहे आप नरेशन पढ़ लो, चाहे आप वॉइस पढ़ लो, और सबसे ज्यादा तो टेंस, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो टेंस, टेंस में वर्ब की जरूरत ही जरूरत है, वर्ब ही वर्ब चाहिए वहां पर। ठीक है, नरेशन, टेंस, बहुत सारे जितने भी चीजें पढ़ी आप ग्रामर में, कॉन्सेप्ट चाहे 12th के लेवल तक का, चाहे यूपीएससी एमपीएससी कहीं भी पढ़ लो भाई, सब जगह पर हमें इसकी ही आवश्यकता पड़ेगी, हमें वर्ब की ही आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लो, अभी आपके पास चांस है, बढ़िया से वर्ब को डिटेल में समझ लेते हैं। आपको लगेगा बच्चे वाला पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हाई लेवल का पढ़ पाएंगे, अगर ये नहीं आएगा तो हाई लेवल का बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिए, इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट
से मिलकर सेंटेंस बनता है सब जानते हैं, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता ये आपने देखा। वर्ब जो है वो जान होती है किसी भी सेंटेंस का, अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं तो सेंटेंस किसी काम का नहीं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर आपका वर्ब नहीं है तो आपका जो पूरा सेंटेंस है वो किसी काम का नहीं रहेगा, इस बात को आप भी जानते हैं, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर सेंटेंस बनता है, उसमें वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम जानते हैं वर्ब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन जानते हैं पहले, कैसे डेफिनेशन दी जाती है, ठीक है। द वर्ड विच शोज, द वर्ड विच शोज वो शब्द जो हमें दिखाता है बताता है द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, इन दो शब्दों को ध्यान रखिए भाई, यही हमारे वर्ब की डेफिनेशन है, ठीक है। द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, द एक्शन का मतलब होता है भाई काम, क्रिया, कोई एक्टिविटी जो होती है, कोई काम होती है वो एक्शन, एक्शन मतलब कुछ भी हम कर रहे हैं, कूद रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बोल रहे हैं, वो एक्शन, वो हीरो वाला एक्शन नहीं जो पिक्चर में हीरो यो करता है, वो एक्शन नहीं भाई, एक्शन मींस कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम, जो मैं जैसे मैं अभी पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, एक्शन हो गया। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब, स्टेट मतलब होता है अवस्था, स्टेट मतलब क्या होता है अवस्था, ठीक है। आप किस स्टेट में है, स्टेट मतलब है अवस्था, आप किस स्टेट में है, जैसे कि मैं खड़ा हूं तो हूं जो शब्द आया, ठीक है, वो स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं खड़ा था तो था जो है पास्ट हो गया, वो मेरी अवस्था, यानी कि इन शब्द कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब वो टेंस बताने वाला कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर, मैं खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा फ्यूचर बता दिया, हो जाऊंगा, ठीक है। खड़ा हो जाऊंगा मतलब मैं बोलूंगा खड़ा हो जाना, दैट मींस स्टैंड अप, स्टैंड अप, आई विल बी स्टैंड अप, तो आई विल, आई वॉज, आई एम, तो आप देख पाएंगे सेंटेंस में कि भाई एम इज आर वॉज वर, ये जो है ये भी वर्ब है, क्योंकि ये हमें कंडीशन अवस्था बता रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, और वर्ब तो सिर्फ काम बताता है, और जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ये सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे। अगर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस, बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से यहां पर, आई एम, आई वॉज, आई विल, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, आई एम का मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है कि फ्यूचर वाला है, बताइए, आई एम मतलब क्या, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, क्या है ये, जवाब दीजिए, एनीवन, आई एम मतलब मैं हूं, ये हूं वाला होगा, ठीक है, ये अवस्था बता रहे हैं प्रेजेंट वाली, ठीक। आई वॉज मतलब मैं था, हाँ था, और आई विल, हाँ मैं होऊंगा, ठीक है, मैं होऊंगा, ठीक है, आई विल, ठीक, मैं होऊंगा, तो ये प्रेजेंट बता रहा है, ये पास्ट बता रहा है, ये फ्यूचर बता रहा है, तो सब में ये कॉमन है, ठीक है। अगर इसको मिटा भी दे तो भाई तब भी हूं, था, होऊंगा, है ना, तो एम, वॉज, वर, विल, शॉल, ये जो भी लगते हैं ना, ये भी हमारे वर्ब ही है, लेकिन हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे ऑलरेडी। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं कि किस अवस्था में है भाई, ठीक है, समझ लीजिए। मेन वर्ब जो होता है वो जिसमें लास्ट में ना ना लगता है, वो हमारे लिए गाड़ी का मेन इंजन की तरह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा, लेकिन कई बार उस मेन इंजन को काम करने के लिए स्टेयरिंग की जरूरत पड़ती है, चक्कों की जरूरत पड़ती है, तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए स्टेयरिंग की तरह, चक्के की तरह, दैट मींस इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके बिना बाकी का काम भी नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं बड़े वाले वर्ब को, मेन वर्ब को अच्छे से वर्क करने के लिए, सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। जैसे मैंने कहा आई स्लीप मार्केट, आई स्लीप, आई गो मार्केट, तो आई गो मार्केट मैंने बोल दिया, मान लो आई गो मार्केट, ठीक है, बोल दिया मैंने ऐसा आई गो मार्केट, तो बताओ मुझे क्या सेंटेंस सही लग रहा है, करेक्ट पूरी तरह से नहीं लग रहा, इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसमें कुछ छूट रहा है, तो आई गो टू मार्केट, आई गोस टू मार्केट, या फिर ही गोस टू मार्केट, कुछ भी आप ऐसा बनाओ, यानी इसमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा भाई, जिससे पता चले कि मैं मार्केट जाता हूँ, मैं मार्केट जाता था, I used to go market, I was going market, I will be going market, and कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, ये am, was, were, is, shall, will, miss लगाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि किस state में है, किस अवस्था में है। तो यही verb की definition है भाई,
द एक्शन दैट मीन्स मेन वर्ब, ठीक है, ये एक्शन क्या है हमारा मेन वर्ब है, मेन वर्ब मतलब जिसके लास्ट में ना आएगा, बोलना लिखना पढ़ना उठना बैठना जाना, ठीक है, और फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था किस कंडीशन में है, तो ये भाई क्या होता है स्टेट ऑफ बीइंग कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यानी मेन वर्ब के बारे में बताता है कि मेन वर्ब में कैसे भाई किस अवस्था में हो रहा है, यानी बोलने का काम कब हो रहा है, अभी हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, लिखने का काम अभी हो रहा है, पास्ट में हुआ था या फ्यूचर में होगा, तो ये बातें हेल्पिंग वर्ब बताता है, तो इस बात को ध्यान में रखिए, एक्शन मींस मेन वर्ब और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या हेल्पिंग वर्ब, इसी बात को ध्यान में रखना है आपको, तो ये भाई वर्ब का कॉन्सेप्ट है, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इज नोन एज वर्ब, मतलब जो भी चीज हमें काम होना और काम होने की अवस्था को दिखाता है, जो काम चल रहा है उसकी बात करता है, जो काम होगा उसकी बात करता है, जो काम हुआ था उसकी बात करता है, और साथ ही साथ वो काम किस अवस्था में हो रहा है हुआ था या होगा उसकी बात करता है, तो उसको हम स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, तो ये क्लियर हुआ सबको, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मतलब समझ में आया सबको, क्लियर है, ठीक, तो ये होगा भाई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, ठीक है, ये मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बता दिया, एक्शन मतलब जिसके बीच में भाई ना लगता है लास्ट में ना, उसको मेन वर्ब बोलते हैं, मेन वर्ब के हमेशा लास्ट में ना लगेगा, और मेन वर्ब भाई अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, जैसे कि आई वॉज मैं था, कहां था भाई, क्या कर रहा था मैं, कुछ नहीं पता बस था, मैं हूं, तो मैं हूं, आई एम मैं हूं, यहाँ पर कहां हूं, किधर हूं, कैसे हूं, क्या कर रहा हूं, नहीं पता चला, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं होता, मेन वर्ब से पूरा सेंटेंस फॉर्म होता है, लेकिन कई बार सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब से सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता, तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि जैसे मान ली ही गोज, भाई ही गोज वो जाता है, कहां जाता है नहीं पता, पूरा सेंटेंस फॉर्म नहीं होगा, पूरा मीनिंग पता नहीं चला, ही गोज टू मार्केट, टू लगा दिया पता चल गया, ही इज गोइंग टू मार्केट, इज लगा दिया तो भाई बाजार जा रहा है पता चल गया, यानी जा तो रहा है, ही गोइंग मार्केट नहीं अच्छा लग रहा, ही इज गोइंग टू मार्केट, हेल्पिंग वर्ब्स लगाए, तो समझ लीजिए वर्ब को हेल्प करने के लिए जो चाहिए होता है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और हेल्पिंग वर्ब से हमें स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि हमें भाई अवस्था पता चलती है, हमें अवस्था कंडीशन पता चलती है कि किस कंडीशन में वो काम हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, किस कंडीशन में काम हो रहा है तो पता चलता है, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, क्लियर है सबको, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो ये हो गया वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच डिफरेंस, मेन वर्ब क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, ये बातें मैंने आपको बता दी, साथ ही साथ मैंने मेन वर्ब को एक्शन बोलते हैं ये भी लिखा हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था यानी कि हेल्पिंग वर्ब होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा भाई, तो यही वर्ब है, यही वर्ब का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो हमसे कई बार ये हेल्पिंग वर्ब की गलती होती है, या जब इंग्लिश सीखते होंगे आपको खुद तो पता है कि जब भी आप इंग्लिश सीखते होंगे तो आपसे हेल्पिंग वर्ब इज द एम आर यही सब छूटता है, यही सब हमसे गलती हो जाती है इधर उधर, कहां वॉज वर्ब लगाना है, कहां इज लगाना था, कहां आर लगाना था, हम भूल जाते हैं, हमसे गलती होती है, इससे हम सही इंग्लिश नहीं लिख पाते, ठीक है, तो भाई इसी बात इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे और आप सही ग्रामेटिकली सही इंग्लिश लिख पाएंगे, अक्सर मैं जब बच्चों की कॉपीज चेक करता हूं, आंसर शीट चेक करता हूं, तो मुझे यही गलतियां नजर आती है मैक्सिमम बच्चों में, ठीक है, जब मैं खुद भी स्टूडेंट था तो तब भी मेरे साथ भी यही होता था, ठीक है, ये ऐसी गलतियां होती थी, क्यों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता था कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्यों जरूरी है, और हेल्पिंग वर्ब के हमसे वर्ब के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है ये समझता नहीं था, तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो समझेगा तो अच्छी इंग्लिश लिख पाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा वर्ब के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ भाई वर्ब के बारे में, पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ वर्ब के बारे में जो आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, पांच इंपॉर्टेंट फैक्ट वर्ब के बारे में, सबसे पहला फैक्ट नंबर वन भाई, फैक्ट नंबर वन कि वर्ब जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, ये जो वर्ब वर्ड है ना ये कहां से लिया गया है, वर्ब जो है लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है, लैटिन वर्ड वर्बम, VERBUM, और आपको जानकर हैरानी होगी ये पूछा गया था MPPSC लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी, दो साल पहले, कोविड के दो साल पहले जब MPPSC की एग्जाम हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था कि वर्बम वर्ब का जो वर्ड है कहां से लिया गया है, और वहां पे ऑप्शन दिए थे ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, एंशियंट वर्ड, संस्कृत वर्ड, यहां से, तो उसमें से वर्बम भाई लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है शब्द, इस वर्बम का मतलब क्या होता है शब्द वर्ड, ठीक है, लैटिन वर्ड वर्बम से लिया गया है और इसका मतलब होता है शब्द, अब बताता हूं आपको फैक्ट नंबर टू,
कि भाई वर्ब को सबसे पहले कहां इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल वर्ब बोला मुंह से कि वर्ब है ये, दिस इज वर्ब, दिस इज वर्ब, ये शब्द किसने पहली बार इस्तेमाल किया? तो भाई ये पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1397 में। जी हाँ, ये पहली बार 1397 में स्टार्ट हुआ था इन, और ये शब्द पहली बार कहां पर आया? तो वैसे आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो वर्ब वाला है, यानी कि वर्ब जो है इंग्लिश से लिया गया है। तो मुझे बताओ इंग्लिश भाषा वाले मैक्सिमम लोग कौन से धर्म के होते हैं, कौन से रिलीजन के होते हैं, किसी को पता है? हाँ, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन के होते हैं। तो फर्स्टली यूज्ड इन बाइबल, और क्रिश्चियन लोग हमेशा बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी धार्मिक पुस्तक है, यानी दुनिया में पहली किताब जो लिखी गई वो बाइबल ही थी ना उनके लिए। इंग्लिश भाषा में जो पहली किताब लिखी गई वो बाइबल, क्योंकि वो क्रिश्चियन होते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, उनका धर्म क्रिश्चियन है, तो उनका धर्म पुस्तक जो है बाइबल है। तो उन्होंने पहली बार वर्ब जैसे शब्द का इस्तेमाल 1397 में हुआ। इसको वर्ब नहीं बोलते थे पहले, इसको वर्ड बोलते थे, शब्द, ठीक है, और इसको वर्बी बोलते थे एक्चुअली, वी आई आर बी, ये भी पढ़ेंगे, आपको फैक्ट बताते हैं आगे। तो वर्बी बोलते थे, वर्ब नहीं बोलते थे पहले, वर्बी बोलते थे, बाद में इसको वर्ब बोलना शुरू किया। फैक्ट नंबर थ्री आपका यही, फैक्ट नंबर थ्री भाई वर्ब में ये कि ये 14 सेंचुरी तक, तो इस 14 सेंचुरी तक इसको वर्बी बोला जाता था, ठीक है, क्या बोलते थे इसको? वर्बी, 14 सेंचुरी में इसको वर्बी बोलते थे, वर्ब नहीं, वर्बी, बाद में इसको वर्ब बोला जाता था, सबसे पहले शब्द बोलते थे वर्ड, उसके बाद इसको वर्बी बोलते थे, और उसके बाद फिर इसको बाइबल में वर्ब जैसा नाम पहली बार दे दिया गया है, पहली बार वर्ब शब्द, ये वर्बी नहीं है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो या छूट गया हो किसी से वर्ब में ही, तो उन्होंने वर्ब वर्ब बोलना शुरू कर दिया, वरना एक्चुअली इसका नेम जो था वो वर्बी था और वर्बम से दिया गया, ठीक है। फैक्ट नंबर फोर, ये फैक्ट नंबर फोर आप सब जानते होंगे, और कल भी मैंने बताया था, और भाई इसको बहुत लोग गलती कर देते हैं, इवन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, फिर भी गलती कर देते हैं। क्या गलती? मैंने अक्सर आपको बताया, देखो कल ही बताया था कि बुक है या कॉपी है, इसको ये सिंगुलर है या प्लूरल है ये बताओ पहले, सिंगुलर दिख रहा है कि प्लूरल दिख रहा है? सिंगुलर, इसको प्लूरल बनाना, तो क्या करेंगे भाई, एस लगा देंगे, बुक का बुक्स कर दिया, प्लूरल हो गया, ज्यादा किताबें, और कॉपी है तो वह हटा के आई एस लगाते हैं, ठीक है, तो कॉपीज हो गया, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने एस ई एस और आई एस जोड़ा, ठीक है, लेकिन ये नाउन है, बुक क्या है? नाउन है, कॉपी क्या है? नाउन है, समझ में आ रहा है सबको, ये नाउन है, तो नाउन में भाई एस ई एस लगाओगे तो क्या बनेगा, वो प्लूरल बन जाता है, जब आप नाउन के अंदर एस ई एस लगाते हो तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है भाई, वर्ब में क्या होता है, आपको एस ई एस हटा के आप क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, जैसे मैंने बताया, कभी भी आप देखो ऐसा नहीं लिखेंगे ही गो टू स्कूल, कभी नहीं लिखेंगे इस तरह के शब्द, कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा ना सेंटेंस में, ऐसा इस्तेमाल होगा भाई, ही गो टू स्कूल कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, करेक्ट सेंटेंस बताओ मुझे, क्या बोलते हैं, करेक्ट सेंटेंस क्या बनता है? हाँ, गोज लिखते हैं, गोज लिखते हैं, क्यों भाई, क्योंकि ही अकेला है ना, एक है, सिंगुलर है ना भाई, ही जो है सिंगुलर है, तो जब कभी सिंगुलर के साथ वर्ब इस्तेमाल करना होगा ना, तो वर्ब में एस ई एस लगा देंगे, तो इस बात को ध्यान रखिए। और वैसे भी मैंने आपको कल बताया था, लास्ट में जब ओ रहा तो ई एस लगाते हैं, कल बताया था ना, लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, तो ओ लगाते हैं, सॉरी ईएस लगाते हैं, कल बताया था, ठीक है। तो भाई वर्ब में उल्टा होता है, नाउन प्रोनाउन में प्लूरल बनाना है तो एस ई एस लगा दो, जबकि वर्ब में सिंगुलर बनाना है तो एस ई एस लगा दो, यानी गो अपने आप में प्लूरल शब्द है, गो मतलब जाना, स्पीक मतलब बोलना, ये अपने आप में प्लूरल शब्द है, दे स्पीक, ही स्पीक नहीं बोलेंगे, ही स्पीक्स करेंगे, क्यों, ही अकेला व्यक्ति है, सिंगुलर है, ठीक है, और गो, ही गो नहीं बोलेंगे, ही गोस बोलेंगे, क्यों, क्योंकि गो जो है प्लूरल वर्ड है, दे गो बोलेंगे, दे गो टू स्कूल, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि दे मतलब प्लूरल, और जियो गो मतलब ये प्लूरल शब्द है अपने आप में, प्लूरल वर्ब है, तो वर्ब के साथ उल्टा होता है ना। फैक्ट यही है भाई, फैक्ट नंबर फोर कि वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस हटाते हैं, या वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस ई एस ऐड कर देते हैं भाई, ये आपका फैक्ट नंबर फोर है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, जबकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं। तो ये फैक्ट नंबर फोर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आएगा। और फैक्ट नंबर फाइव कि वर्ब भाई अकेला नहीं होता, वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं, वर्ब हैज फाइव फॉर्म, जी हाँ, वर्ब हैज
फाइव फॉर्म्स, वर्ब के पांच फॉर्म होते हैं टोटल, पांच फॉर्म, फाइव फॉर्म्स। आप वी1 वी2 वी3 तो जानते होंगे, और फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ दो तो वी4 बन जाता है और वी5 भी होता है। मैं आपको पांचों फॉर्म यहाँ पर लिखकर बताता हूँ कि वर्ब के फॉर्म कौन से होते हैं। ये आप नोट भी कर सकते हैं या फिर मैंने स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है, अगर आप देखेंगे ऐप में जाकर तो मैंने स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया है ऑलरेडी वहां पर, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। वही वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब हैज फाइव फॉर्म्स, वर्ब के पांच फॉर्म की बात करते हैं। चलिए पांच फॉर्म देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो वर्ब के पहले फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। नंबर वन, वर्ब में जो देखो पहला फॉर्म क्या होता है कि रूट वर्ब जिसे कहते हैं, रूट वर्ब यानी कि बेसिक, रूट वर्ब मतलब बेसिक यानी मेन शब्द, स्पीक ये रूट है, रूट मतलब होता है ओरिजिनल जहां से शुरुआत होती है, स्पीक, फिर बाद में स्पीक्स कर लो, बाद में स्पीकिंग कर लो, बाद में स्पोकन कर लो, लेकिन पहले तो स्पीक ही रहेगा, राइट कर लो, राइट कर लो, राइटिंग कर लो, रिटर्न कर लो, रोड कर लो, वी1 वी2 वी3। लेकिन भाई जो वी1 होता है ना, जो मेन होता है वो हमारा रूट वर्ब कहलाता है, ये रूट वर्ब है और इसी को भाई हम वी1 भी बोलते हैं, ठीक है, ये रूट वर्ब है और इसको हम वी1 भी कहते हैं, ठीक। और ये हमारा बेसिक है, बेसिक है, जैसे कि सी देखना, अब इसको आप सी सॉ सीन बातें बोलते रहो लेकिन सी हमारा बेसिक है, ठीक है। राइट बोलो भाई, राइट लिखना ये हमारा बेसिक है, इसके राइट का रोड रिटर्न करते रहो आप, राइटिंग करते रहो, लेकिन राइट जो है ये हमारा बेसिक है, दिस इज रूट ओवर, ये पहला फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, तो जो दूसरा है वो है भाई सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म, एक्चुअली वी5 होता है, सिंगुलर फॉर्म को ना वी5 कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म वर्ब का। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्ट में कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है उसमें एसईएस जोड़ते हैं ना, जैसे कि अब मैं सी को लिखता हूँ, सी को अगर प्लूरल बनाना है, प्लूरल अपने आप में प्लूरल है, अब एसईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। अभी हमने फैक्ट में पढ़ा था कि वर्ब में आप एसईएस जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा भाई, सिंगुलर। तो सीज में भाई मैं एस जोड़ देता हूँ तो बन गया क्या, सिंगुलर फॉर्म। मैं राइट में एस जोड़ देता हूँ तो भाई क्या बन जाएगा, सिंगुलर फॉर्म। वर्ब के साथ तो उल्टा होता है, तो जो हमारा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है ये उसमें एस लगा होता है, इसी को हम वी5 भी कहते हैं, इसको वी5 भी कहते हैं, ठीक है। वी1 बेसिक फॉर्म जिसमें एस नहीं लगा होता, अगर ओरिजिनल फॉर्म हम देखें वर्ब का उसको वी1 बोलते हैं जिसमें एस ईएस नहीं लगा होता, और फिर जब उसी में एस ईएस लगा दो यानी ओरिजिनल फॉर्म में एस ईएस लगा दो तो वी5 बन जाता है, जिसे हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। समझ में आया वर्ब का ये वाला फॉर्म, समझा सबको, समझा गया वर्ब का दूसरा फॉर्म जो है, ठीक। इसके बाद हम तीसरा बात करते हैं भाई, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जिसे, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब के मेन फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, मेन फॉर्म वी प्लस आईएनजी यानी वी1 प्लस आईएनजी, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, जैसे सी है उसमें आईएनजी जोड़ दो सीन, राइट है तो जोड़ दो उसमें भाई राइटिंग, ठीक है, जोड़ दिया हमने। तो इस तरह से क्या होता है, सेंटेंस सेंटेंस वर्ब फॉर्म होता है, ये हमारा वी4 भी है, इसको हम वी4 भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम वी4 भी कहते हैं। तो वी1 वी5 वी4। अब हम दूसरा फॉर्म देखते हैं वर्ब का, चौथा फॉर्म, तो इसका जो फॉर्म है भाई वो पास्ट पार्टिसिपल का, ये आप जानते भी होंगे, पास्ट पार्टिसिपल जिसमें ईडी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म है उसमें ईडी लगा देते हैं, यानी सेकंड वाला जो फॉर्म होता है ना वी2, उसको जैसे शब्द आप जानते होंगे, कई तो ऐसा है जिसमें तीनों फॉर्म सेम होता है, आपने पढ़ा होगा कट कट कट, पुट पुट पुट, सेम होता है ना, तो ये भी आपने पढ़ा है। और कई तो तीनों डिफरेंट होते हैं, जैसे कि राइट रोट रिटर्न, स्पीक स्पोक स्पोकन, तो इस प्रकार से वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये हमारा वी2 है, इसको हम वी2 बोलते हैं, जिसमें ईडी लग जाता है लास्ट में, सेकंड फॉर्म जो रहता है ना वर्ब का वो वी2, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और एक हमारा आखिरी है, तीनों को मिलाकर बनता है रूट, पास्ट और पार्टिसिपल, ठीक है, ये हमारा पांचवा फॉर्म रहेगा वर्ब का, ठीक है, ये हमारा वी3 होता है, वी3, ठीक है। जैसे स्पोक स्पीक का स्पोक स्पोक, स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोड रिटर्न, यानी कि हमारा जो रूट पास पार्टिसिपल है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, जिसमें हम वर्ब के तीसरे फॉर्म को लिखते हैं, यानी कि पास्ट वाला फॉर्म में पहुंच जाते हैं, एकदम पास्ट फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि स्पीक स्पोक स्पोकन, राइट रोड रिटर्न,
गो वेंट गॉन, तो ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म हो गया भाई। ये वर्ब के पांच फॉर्म ऐसे होते हैं, देख लो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे मेन ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं, यानी वर्ब जैसा होना चाहिए जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना, मेन वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे सी मेन वर्ड है उसमें एस लगा दो तो बदल जाएगा, तो सी वो हमारा बी फाइव है, उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, क्योंकि एस सी एस लगाने से तो बदलता है ना भाई, एस सी एस लगाने से तो सिंगुलर बनता है वर्ब, ये हमने पैरेंट में भी पढ़ लिया ठीक। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब का फर्स्ट, उसमें फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ दो, जिसे हम वी फोर भी कहते हैं, पढ़ा भी होगा आपने है ना, तो वी फोर सी सी राइट राइटिंग स्पोक स्पीकिंग स्पीक स्पीकिंग है ना सी सी, तो ये राइट का राइटिंग ऐसे, स्लिप का स्लिपिंग, तो जिस भी वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि आप कह सकते हो वी वन में आई एन जी जोड़ दिया तो बन गया हमारा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर आता है चौथा जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, इसमें भाई ईडी लगता है या वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे एक फॉर्म आगे बढ़ जाता है, जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल शॉप शॉप सी सॉ गो वेंट ठीक है, तो वो यहाँ पर लगता है, उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा चौथा तीसरा ठीक है ब्यूटू बोलते हैं जिसको, और पांचवा जो हमारा फॉर्म है वर्ब का वो क्या है रूट पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि बी थ्री, यानी सब बीत चुका है सब हो चुका है, एकदम पास्ट वाला फॉर्म लिखते हैं, हर वर्ब के पास्ट फॉर्म को ये लिखते हैं भाई रूट पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम बी थ्री भी कहते हैं ठीक है। Go went, gone, gone हमारा यहाँ पर जो है speak, spoke, spoken, sleep, sleeping, slip, यानी जो sleeping होते हैं fourth form, slip, वो हमारा V3, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा verb के forms है, ये आपको notes में भी मिल जाएगा, PDF मैंने बनाकर upload कर दिया, आप check करेंगे वहां पर material में, study material में, तो आपको वहां दिख जाएगा ठीक है। और साथ ही साथ पिछले दो lecture जो तीन lecture आपने नहीं देखे हैं तो आप रिकॉर्डिंग्स में जाकर वहाँ YouTube वीडियो अपलोड है, YouTube के आइकन पे क्लिक करेंगे तो चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं स्टडी क्लास चैनल, वहाँ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को ताकि नए नोटिफिकेशन मिले। और यहाँ के बाद जैसे ग्रामर सीरीज खत्म होगी उसके बाद मैं यहाँ पर YouTube वाले वीडियो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, दैट मीन YouTube पे लाइव क्लास होगी SST की भी इंग्लिश की भी ठीक है, वहां पर लाइव क्लास में स्टार्ट करूंगा 10th के लिए भी 9th के लिए भी, तो वहां पर भी शुरुआत होगी लाइव क्लास, तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखिएगा ताकि जब क्लास का टाइम मैं बताऊं पता चले तो आपको मिस नहीं करना है क्लास। 11th के लिए भी वहीं पर क्लास शुरू होने जा रहे हैं YouTube पे लाइव, एक एक घंटे की हर सब्जेक्ट की क्लास हम शुरू करेंगे SST और इंग्लिश की ठीक है। तो ये तो हो गया भाई वर्ब के हमारे फॉर्म्स की बात कर ली, और हमने बात कर ली वर्ब के टाइप्स की, अब हमें वर्ब के कुछ खास टाइप्स की, यानी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात करेंगे, इसके बारे में डिटेल में तो नहीं पढ़ाते आपको, हम बस दिखा देते हैं समझा देते हैं कि वर्ब की जो टाइप्स है भाई वो कैसे है। देखो भाई वर्ब होता है एक ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है, दूसरा होता है मोडल वर्ब जिसे मॉडल वर्ब भी कहते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा कैन कुड शॉल शुड मे माइट मे मस्ट है ना, तो वही वाला हमारा क्या है मोडल वर्ब कहलाता है। फिर आता है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर दसवीं वाले इस पर ध्यान दे, दसवीं नौवीं वाले बहुत ध्यान दे इस पर ट्रांजिटिव। फिर आता है इनट्रांजिटिव, उनको पढ़ना भी पड़ेगा, उनको पढ़ाएंगे भी हम इनट्रांजिटिव, तो भाई ऑक्सिलरी और मोडल वर्ब, इसको बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, आप ही देख लो ना कैन could, shall, should, he can go, he may go, he must do, तो ये helping verb इसी में आता है भाई, auxiliary और modal है ना, auxiliary में क्या आते हैं is, am, are, was, were, modal में क्या आता है can, could, shall, should, फिर आता है transitive और intransitive, ये भाई main verb है, ये है main verb, जैसे कि speak और speaks है ना, write, writes, तो भाई transitive यानी ऐसा verb जिसको object की जरूरत नहीं पड़ती, और जो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग नहीं बदलता ऐसा भी पढ़ाया जाता है, वो डिटेल में स्टडी हम नहीं कर रहे इस पे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे एक बड़ी क्लास अलग से लगेगी भाई, एक डेढ़ घंटे की क्लास होगी तब जाके समझ पाएंगे आप ठीक है, इसको मैं डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगेगा कि पढ़ाना चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा इसको ठीक है। तो भाई वर्ब में यहाँ पर चार फॉर्म दिख रहे हैं, चार टाइप होते हैं, मेनली तो दो होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब मोडल वर्ब, मेन वर्ब के भी दो टाइप है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, तो भाई ये वर्ब के टाइप्स है और एक एक टाइप को ये हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को इन सब को पढ़ने के लिए अलग अलग टॉपिक है, बड़े कॉन्सेप्ट्स है, यानी मोडल्स को पढ़ने के अलग से रूल्स रेगुलेशन है भाई, इनको अलग से टाइम लगता है, कम से कम दो क्लास इसको चाहिए। फिर ऑक्सिलरी वर्ब, इसको भी क्लास चाहिए, भी दो तीन क्लास चाहिए इसको भी तब समझेंगे, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इनको भी भाई दो दो तीन तीन क्लास चाहिए तब समझ पाएंगे, बड़ी बड़े बड़े टॉपिक्स है, डिटेल वाले टॉपिक्स है वर्ब के, और इनको पढ़े बिना आप 12वीं 11वीं और 10वीं ग्रामर नहीं कर सकते, 100% गारंटी देते हैं,
आप एडिटिंग, ओमिशन, जो भी आपको ग्रामर आता है, चाहे आप नरेशन की बात करो, वॉइस की बात करो, भाई ये सब सॉल्व ही नहीं होंगे अगर आप ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोडल और ऑब्जर्वर नहीं पता आपको। चारों की कॉन्सेप्ट आप नहीं समझते तो आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इससे भाई उनको बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब के चार फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडल वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मेनली तो वर्ब के दो ही फॉर्म होते हैं भाई, कौन सा? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, में बता चुका हूं आपको। और मेन वर्ब क्या होता है भाई? एक्शन, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के भी दो टाइप होते हैं, ऑक्सिलरी इज एम आर वॉज वर्ब, और उसके बाद मोडल वर्ब दैट इज कैन कुड शॉल शुड मे माइट, और उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, मतलब ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है पूरा मीनिंग समझाने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब से ही काम बन जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर चार टाइप्स दी हैं वर्ब के, इन चारों टाइप्स को एग्जाम में लिखना होता है, इनको समझना होता है, इन चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर इन चारों के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे के नरेशन, वॉइस, इंटरमाइनर, क्वेश्चन टैग, मोडल्स, सब कुछ आप पढ़ पाएंगे। इवन टेंस, टेंस के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टेंस में इसका भी इस्तेमाल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका इस्तेमाल है, पूरे सेंटेंस का इस्तेमाल है टेंस में। तो भाई टेंस पढ़ने के लिए सब आना चाहिए। स्कूलों में 6 महीने तक टेंस पढ़ाते हैं और वो भी कुछ समझता नहीं है, और समझ भी गया तो उस टेंस का कहां यूज करना भी पता नहीं चल पाता, बस सेंटेंस बनाना है, फॉर्मूला लिखा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी लगा देना, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना या शॉल शुड लगा देना, बस यही पढ़ा देते हैं, लेकिन ये नहीं समझाते कि उसका एप्लीकेशन कहाँ है, उसे इस्तेमाल कहाँ करना है, ये नहीं समझाते। तो यहाँ पर बात करी मैंने वर्ब की, ठीक है। अब नेक्स्ट डे इसी टाइम पर 11 बजे कल फिर मिलेंगे, और एक अलग टॉपिक के साथ और ग्रामर के दूसरी सीरीज के साथ उसमें मिलेंगे। तो अभी तक हमने 3 से 4 क्लास कंप्लीट, चौथी क्लास है, 4 क्लास कंप्लीट कर ली है ग्रामर सीरीज की, और हम 4 क्लासेस और करेंगे ग्रामर पे, यानी कल को लेकर और 4 क्लासेस होंगी, और उन 4 क्लासेस के बाद ग्रामर सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम यूट्यूब पे एसएसटी की क्लासेस करेंगे ऐसे ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। स्टडी क्लास चैनल जिसपे हम एसएसटी का, इंग्लिश का, और हो सकता है 8th 9th का साइंस भी मैं करूँ, अगर जनसंख्या ज्यादा रही, आप लोग की रिक्वेस्ट आई, तो मैं 8th और 9th का साइंस भी वहां पर स्टार्ट कर दूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा सिलेबस जो है 8th का 9th का 10th का इवन 11th का मैं करने वाला हूँ। मेरे जो पूरे व्यूअर्स है चैनल पे, जो सब्सक्राइबर्स है 4.3 के, वो सारे के सारे जो है मेरे 10th में ही मैक्सिमम 10th वाले ही है। तो अभी उनको जनरल प्रमोशन मिल गया है, उनको 11th की पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए मैं वहाँ पे प्रोग्राम तो कोर्स लॉन्च कर चुका हूँ, अनाउंस कर भी दिया है, जो बुक्स हैं इंग्लिश की, और जो भी यहाँ बच्चे बैठे होंगे उनके लिए बता दो भाई, स्टेट बोर्ड वाले जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको बता दो कि स्टेट बोर्ड में सीबीएसई की बुक्स लग गई है पूरी, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, और इवन एसएसटी की भी, इंग्लिश की 2 बुक जिसमें 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है, एक बुक में 16 चैप्टर है, दूसरी बुक में 12 चैप्टर है, तो इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं इंग्लिश को भी, एनसीईआरटी हो गया अपना लिटरेचर, हिंदी में भी सेम विशेष चेंज दिया गया है। इसके पहले इंग्लिश मीडियम वालों को आपको सिंपल हिंदी पढ़नी पड़ती थी, लेकिन नहीं, अब स्टेट बोर्ड वालों को भी स्पेशल हिंदी पढ़नी पड़ेगी, विशिष्ट हिंदी पढ़ेंगी हिंदी मीडियम वालों की तरह, और हिंदी मीडियम वालों को भी स्पेशल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी आप लोग की तरह, और उनका हिंदी तो स्पेशल ऑलरेडी था और इंग्लिश जनरल था, आपका इंग्लिश स्पेशल था लेकिन हिंदी जनरल था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब आपको हिंदी भी विशिष्ट पढ़नी है और इंग्लिश तो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो भाई सब लोग तैयार हो जाइए और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की 2-2 बुक हो गई, इंग्लिश की भी 2 बुक और हिंदी की 2-2 बुक, तो सिलेबस बढ़ गया है, चैप्टर ज्यादा है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तो लिटरेचर ऊपर से तो थोड़ा टफ भी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगे आपको। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरा सिलेबस कराएंगे, जिम्मेदारी हमारी बहुत ही आसान तरीके से ऐसे हंस के खेलते हम लोग पढ़ लेंगे। तो चैनल पर जाकर स्टडी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन रहे क्लासेस कब स्टार्ट करनी है, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या टाइम टेबल रहेगा, उसी प्रकार से मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फटाफट वीडियोस मिल जाएगी आपको। जाइए चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को रिकमेंड कीजिए और उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आसानी से पढ़ाई कर पाए। आप देखिए इस पेंडेमिक में स्कूल्स, कोचिंग सब बंद है और कईयों के पास तो पैसा भी नहीं है, किसी कंपनी बंद है, फाइनेंशियल कंडीशन से भी जूझ रहे हैं, तो जिनके पास कोचिंग के पैसे भरने हैं, ये पैसे नहीं है कोचिंग में, जो नहीं लगा पाते हैं कोचिंग, उनके लिए मैं फ्री में पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, यूट्यूब पे लाइव लेक्चर स्टार्ट होंगे, 10 फॉलो के लिए भी, 9 फॉलो के लिए भी, 8 फॉलो के लिए भी और 11 फॉलो के लिए भी, 8, 9, 10, 11 सबके लिए स्टार्ट होंगे। तो प्लीज आप सभी के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको नॉलेज नहीं मिल पा रहा है उनको भी मिले, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर शेयर करते हैं, तो प्लीज शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए, अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है फ्रेंड्स का तो उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो चैनल की रीच पहुंच पाए और वो लोग भी बहुत आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके पेरेंट्स के पैसे बचे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर पाए। इस
कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं कि कंडीशन क्या चल रहा है सबकी फाइनेंशियल। तो प्लीज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टडी क्लास वाले ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ें, और टेलीग्राम का ग्रुप भी है स्टडी क्लास का, वहां भी आप उन्हें जोड़ सकते हैं। उसमें भी ऑलरेडी 500 से ज्यादा लोग हैं उस टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां और भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो जाए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बहुत ही सरप्राइज वाला टॉपिक लेके आने वाले हैं। बताऊंगा नहीं टॉपिक, लेकिन बहुत ही सरप्राइज वाला टॉपिक है, ग्रामर का टॉपिक। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 11 बजे सेम यही टाइम पर, और पढ़ेंगे एक सरप्राइज वाला टॉपिक है। जी हाँ, जो आपने सुना तो होगा लेकिन बताऊंगा नहीं मैं कि क्या पढ़ना है, सरप्राइज वाला टॉपिक। तो चलिए क्लास एंड करते हैं, सभी को बाय, हैव अ नाइस डे।